हम डॉक्टर करनैल सिंह हैं, शिक्षक कल्याण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेरा मिर्जापुर से हृदय से लगाव है और आत्मिक लगाव है और छात्र जीवन में भी कहीं न कहीं मिर्जापुर की परिस्थितियों को देखते हुए, विकास को देखते हुए वहाँ से मेरा जीवन चल रहा है। केवी कॉलेज और बिनानी कॉलेज दोनों छात्र संघों में मैं पदाधिकारी रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ। तब से ही मिर्जापुर का चतुर्थी विकास के लिए चिंतन मनन करता रहता है। इस समय बिंध विश्वविद्यालय की आवश्यकता बहुत ही है, क्योंकि बिंध विश्वविद्यालय की स्थापना का होना इसलिए आवश्यक है कि राज्य सरकार कर नहीं पा रही है। पता नहीं उन लोगों के मन में मनसा क्या है, एक मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय की अवस्थापना यह राज्य सरकार का उद्घोष है, वो नहीं कर पा रही है। तो बिंध विश्वविद्यालय की स्थापना अगर राज्य सरकार कर देगी तो सो फार सो गुड, भारत सरकार कर देगी सो फार सो गुड, नहीं तो यहाँ की जनता की बेहद मांग पर तमाम मतलबों से हमारी वार्ता हुई है तो मदन मोहन वाली जैसा कार्य करके बिंध विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, क्योंकि शिक्षा ही एक व्यक्ति का चौमुखी विकास के भीतर आता है। निश्चित रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया जाएगा और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा ही, मतलब वास्तव में मतलब हमारे यहाँ शास्त्र से और वेद से भी चलते हैं तो वहाँ भी हमारे यहाँ बहुत ही उनको महत्व दिया गया है और आदा शक्ति कहा गया है, शक्ति की परिचायक हैं वो। बिना उनके शक्ति के अन्य मतलब जाति, अन्य इवेन मतलब पुरुष वर्ग भी मतलब शक्तिमान नहीं होता है। हमारा मानता है कि मतलब बिना शक्ति के शिव भी शव के समान माना जाता है। पहले तो कम से कम मतलब बिंध विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित रूप से करेंगे, वह चाहे सामाजिक सहयोग से हो, चाहे राज्य के सहयोग से हो, चाहे जन जन के सहयोग से हो। दूसरी बात, जिले को उद्योग विहीन घोषित करवाना, जब जिले के उद्योग विहीन घोषित हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो सरकारी फार्मलिज्म है एक जिले के विकास के लिए, उन सारे धनराशि को मतलब लाएंगे उद्योगहीन जिला घोषित करवा करके। इसके बाद जो सांसद निधि का व्यय होगा वो मैं माँ विंध्यवासिनी का कसम खाया हूँ, संकल्प लिया हूँ कि ईमानदारी पूर्वक होगा और कमीशन रहित होगा। और सब विद्यालयों को सबसे पहले हम पुस्तकालय धनी करेंगे, जिन गरीब बच्चे हैं अगर वो उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो अगर विधि विधान होगा जैसा कि मैं पता करूंगा तो सांसद निधि का व्यय ऐसे बच्चे ऐसे प्रतिभावान छात्रों पर खर्च करेंगे कि उनका जीवन सुधरे।